सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जिक्र आपने किया कि आपने 1 लाख करोड़ रुपया जो राज्यों के हिस्से का है वो मांगा और प्रधानमंत्री ने कहा आपसे कि कुछ मांगिए मत, तो जरा इसको और इलेबोरेट करके बताएं कि किस काम के लिए आप मांग रहे थे और प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे आपको मना क्यों कर दिया, पहली बात। और दूसरी, जब रैपिड टेस्टिंग किट खराब है, आपने उसकी जांच कर ही ली, तो अब आईसीएमआर की गाइडलाइन का क्या मतलब है? अगर वो कहते हैं जांच करो तो उसका तो कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि आपको तो रिजल्ट मिला नहीं। और दोनों मंत्रियों, सवाल है, केंद्र से क्या क्या शिकायतें आप लोगों की हैं, या पूरा सब कुछ अच्छा अच्छा है? देखिए, कोई शिकायत नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये शिकायत का वक्त भी नहीं है। हमने प्रधानमंत्री जी को, मैं वीसी में बैठा हुआ था, जो पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उन्होंने मुख्यमंत्रियों के साथ की थी, उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी राज्यों को 1 लाख करोड़ का पैकेज आप एकमुश्त दे दो। उसमें क्या है, जो बीजेपी के रूट स्टेट हैं, वहां के मुख्यमंत्रियों ने भी यही कहा कि हम आर्थिक परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। 14 राज्य तो वेज एंड मींस के स्थिति में पहुंच गए हैं, तनख्वाह देने की स्थिति नहीं है उनकी। तो आर्थिक हालत पूरे राज्यों की खराब है, चाहे वो कांग्रेस रूल स्टेट हो, चाहे बीजेपी रूल स्टेट हो, चाहे अन्य राज्यों के हो। तो जो परिस्थिति है वो प्रधानमंत्री के सामने रखना कोई गलती बात नहीं है, ना राजनीति है। अब वो क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं ये उनके ऊपर है। हमारा पक्ष रखने का अधिकार हमारा था, हमने रख दिया। इस तरह से ना कोई राजनीति करने की इच्छा है। हम भी जानते हैं भारत सरकार ने जो गाइडलाइन दी है उसी गाइडलाइन का अक्षर से पालन राज्य कर रहे हैं, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार वहां पे काम कर रही हो। एक भी बयान पब्लिक में हम लोग कभी नहीं दे रहे हैं। हम जानते हैं इस बात को कि इस महामारी से लड़ने में हमें राजनीति को परे रखना चाहिए, और हम परे रख भी रहे हैं। जी, अरुण जी ने जो सवाल पूछा केंद्र के संदर्भ में, तो जहां तक मेरी राय है, शिकायत बतौर नहीं लेकिन स्ट्रेटेजी बतौर मेरा ये मानना है कि और हमको प्रोएक्टिव होना चाहिए था। हमने जो अनुमान लगाया कोविड के स्प्रेड का अपने देश में, उसके लिए हमने तैयारी पहले चालू नहीं की। वैश्विक स्तर पे जो बातें सामने आ रही थी उसके अनुपात में 1 लैब से भारतवर्ष में टेस्टिंग अगर चालू होती है, और हमने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी अलाउ नहीं किया था इनिशियली, हमने आज जाके 220 के आसपास टेस्टिंग सेंटर बनाए हैं, और वो भी ज्यादा संख्या में हमको अगर टेस्ट करना है, अगर रैपिड टेस्टिंग किट को हम अलाउ नहीं करते और बड़ी मात्रा में हमको टेस्ट करना है, तो हमारे पास टेस्टिंग सेंटर है कहाँ? एम्स में ही अगर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ले लीजिए, तो यहाँ की जो आरटीपीसीआर पद्धति से टेस्टिंग हो रही है वो मैन्युअल पद्धति से हो रही है। हमने ऑटोमेटेड आरएनए डीएनए एक्सट्रैक्टर की बात रखी है, और एक मशीन है जिसको खरीद के आपको ये जानकारियां शासन के पास, केंद्र सरकार के पास पहले से ही उपलब्ध है। तो ज्यादा से ज्यादा क्षमता की मशीनों को स्थापित मेडिकल कॉलेजेस में और ऐसी संस्थाओं में उपलब्ध कराने के लिए आज सोचने की जरूरत क्यों होनी चाहिए? ये मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजी में कमी रही। ये तो डे वन से आज हम मांग करेंगे तो वो कब मशीन आएगी, कब वो स्थापित होगी, कब उतनी मात्रा में टेस्टिंग चालू होगी, हमारे पास ये पीपीई किट्स क्यों नहीं है? क्योंकि हम अनुमान नहीं, हमारा कंजर्वेटिव एस्टिमेट था कि हमको जरूरत कितनी पड़ी। तो ये स्ट्रेटेजिकली मेरा ये मानना है कि यहाँ पर कमी हुई, और आज हम अगर उन सारी चीजों के पीछे जा रहे हैं तो हम एक एक महीने दो दो महीने पीछे हैं। ये लॉकडाउन का पीरियड हमारे लिए तैयारी का पीरियड माना जा रहा था। 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, क्या सभी राज्यों को अपने आवश्यकता अनुसार पीपीई किट्स उपलब्ध हो जाएंगे? क्या टेस्टिंग फैसिलिटी हमारे यहाँ स्थापित हो जाएगी? नहीं, ये केंद्र सरकार के सहयोग से ही मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ में भी उदाहरण के लिए 6 स्थापित हुए हैं। तो राज्य केंद्र सरकार को तो उंगलियों में मालूम है कि ये मेडिकल कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटी है। तो प्रोएक्टिव होके उनको वो मशीनें, क्योंकि ये राष्ट्रीय आपदा है, उनको पहले ही प्रोवाइड कर देना था। हमको मांगने की जरूरत क्यों होनी चाहिए जब उनको सारी जानकारियां हैं? मांगा जा रहा है, किया जा रहा है, तो ये एज पार्टनर्स, ये एक गैप है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार साझे रूप में अगर काम कर रहे हैं तो ये पहले से ही ये सारा हो जाना चाहिए था। इसमें हम पीछे हैं, बाकी व्यवहार में हमको सौतेलापन नहीं लग रहा कि वो जानबूझ के हमको पैसा नहीं दे रहे। स्ट्रेटेजी में मैं कहूंगा कि कमी हुई है। थैंक यू सर। अगला सवाल मोहित दुबे जी का।